अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली के सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कुछ दिन पहले का जो है वो क्लिप्स हैं। हम लोग गए थे कॉर्निश, उस दिन जो है मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था। ये आई थिंक 2 हफ्ते पहले का क्लिप है, लेकिन मैं कुछ बिजी हो गई थी, वीडियो एडिट नहीं कर सकी थी, तो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये हम लोग गए थे कॉर्निश रोहाब को लेकर। उधर जो है रोहाब ने फुटबॉल भी प्ले किया और इन्जॉय किया, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था। उस दिन मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, तेज़ हवा चल रही थी, और तेज़ हवा मौसम अच्छा हो तो फिर आउटडोर आपको जो है वो घूमने फिरने का और आउटिंग करने का जो है वो मज़ा आता है। तो इधर मैं आपको थोड़ा जो है वो व्यूज़ भी दिखाऊँगी। ये होटल है इधर, इस साइड पर सारे होटल्स हैं और काफ़ी जो है अच्छे होटल्स हैं, और कॉर्निश भी है, और ये फाउंटेन भी है, जद्दा फाउंटेन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ थोड़ा हमने जो है इन्जॉय किया, और थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी देर हम लोग जो है वो बैठ रह गए थे, और मैं वीडियो बना रही थी तो मेरे हाथ में टॉयज थे ना, कैट जो है वो टॉयज को देख के मेरी तरफ आ रही थी, उसको शायद अच्छे लग रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे बहुत ज़्यादा कैट को ना टॉयज। तो यहाँ पर मैं रुहाब और राशिद जो है वो रुहाब के साथ हम लोग बॉल प्ले कर रहे थे। जो आदत है हम लोग आपको डेली जो है वो आउटडोर लेके जाते हैं ताकि थोड़ा ये खेल ले और थोड़ा एंजॉय करे, क्योंकि घर में बैठ रहती है सारा दिन तो बच्चे जो हैं वो फिर उनकी फिज़िकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो यहाँ पर घर भी छोटे छोटे होते हैं, तो इसलिए हम लोग उसको डेली जो है फिर बाहर लेके जाते हैं ताकि वो अच्छे से प्ले करे, और फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। Good. That's like good girl. Get the ball. Maybe. Maybe. Okay. Let's play. Maybe. कौन ही प्ले कर रही है? आप प्ले करो. आप हाँ डैडी सब प्ले करो. चलो. रोहाब को मेरे साथ जो है वो प्ले करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, स्पेशली फुटबॉल, तो उसको बाबा के साथ ही अच्छा लगता है, और क्योंकि बाबा उसके साथ प्ले करते हैं, खेलते हैं उसके साथ, तो वो बाबा की कंपनी को ज़्यादा इंजॉय करती है बजाय के मेरी। मेरे साथ वो बिल्कुल भी जो है वो फुटबॉल प्ले नहीं करती। वो देखो बाबा प्ले करें। सनसेट भी हो रहा था और सी व्यू भी इंजॉय करें, सनसेट भी इंजॉय करें। मुझे सनसेट बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा लगता है मुझे सनसेट। मैं कोशिश करती हूँ कि जब वेदर अच्छा होना तो मैं सनसेट जो है वो इंजॉय करूँ, देखूँ, और काफ़ी सारे क्लिप्स में मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ कि इतना अच्छा लगता है ना डूबता हुआ सूरज। और जितनी आप कोशिश कर लें कि कैमरे में आप उस चीज़ को कैप्चर करें, लेकिन वो चीज़ कैमरे में कैप्चर नहीं होती जो रियल आँख देखती है। तो मैंने उसको अच्छे से मतलब लाइट्स भी मैंने उसकी ब्राइट की, और जो है कैमरे को भी मैंने जूम कर दिया काफ़ी ज़्यादा, कि मैं वही सीन आप लोगों को भी दिखाना चाह रही थी जो मैं देख रही थी। लेकिन वही बात होती है ना कि जो चीज़ आँख कैप्चर करती है, जो रियल आँख देखती है ना, कैमरा वो चीज़ कैप्चर नहीं करता। और पता भी नहीं चलता, बस आप देख रहे होते हैं सूरज को, और सूरज जो है फ़ौरन से जो है वो ग़ुरूब हो जाता है, बिल्कुल ऐसे एक सेकंड लगता है जैसे एक सेकंड में है सूरज जो है वो ग़ुरूब हो गया हो, बिल्कुल भी जो है पता नहीं चलता। तो हम लोग उसके बाद फिर चले गए थे एक, यहाँ पर नया मॉल खुला है द विलेज के नाम से, मॉल का नाम है द विलेज, उसमें सारे ब्रांड हैं और जो है खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा बना हुआ है, बहुत आउटडोर इनडोर दोनों जो है वो बहुत खूबसूरत बना हुआ है। तो थोड़ा सा मैं आपको जो है वो दिखाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा हम लोग वहाँ पर घूमे नहीं थे। ये इनका जो है बेसमेंट है मॉल का, द विलेज मॉल है एयरपोर्ट के साथ, अभी नया बना है, तो कुछ शॉप्स वहाँ पर ओपन थी और कुछ जो है वो ओपन हो रही थी इस तरीके से। तो ये इनका बेसमेंट है। अब मैं आपको इनका जो है वो सीटिंग दिखाती हूँ। इनका सीटिंग भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत प्यारा बना हुआ है। सीटिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे इन्होंने एक डिफरेंट स्टाइल की जो है वो मिनी चेयर्स वगैरह रखी हुई थी, देखने में वो ऐसे लग रही थी कि एज़ आ वो डेकोरेशन रखा हुआ है, लेकिन जब मैं पास गई थोड़ा क्लोज जाके मैंने देखा तो वाकई वो जो है वो छोटे छोटे सोफे रखे हुए थे और इतना खूबसूरत लगे हुए लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। तो रुहाब ने भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। उसके बाद आगे भी कुछ ऐसे क्लिप्स हैं जो कि थोड़े फ़नी हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी, और वहाँ पर जो है मैं भी थोड़ा ऐसे रिएक्ट करी थी रुहाब के साथ जैसे छोटे बच्चे ज़िद करते हैं, तो आप लोग देखेंगी और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो इधर एक ये शॉप खुली हुई थी जिस पर जो है डिस्काउंट लगा हुआ था, कुछ इसमें कैंडल्स भी थी, सोप्स भी थे,
और बॉडी मिस्ट भी थे, हेयर मिस्ट भी थे और परफ्यूम्स भी थी। तो थोड़ा मैंने ये देखी, परफ्यूम्स मेरे लेने का प्लान था लेकिन परफ्यूम जो है वो मुझे उनकी फ्रेगनेस कोई ख़ास नहीं लगी। तो खैर ये मैं आपको वापस आ गई थी। अब ये हुई आपको सिटिंग एरिया में दिखा रही हूँ। देखिए ये सारा इन्होंने जो है वो बैठने के लिए बनाया हुआ और इतना खूबसूरत और एक बिल्कुल यूनिक सा लग रहा था। नॉर्मली मॉल्स वगैरह में जो है वो या तो वो सोफ़े रखे हुए होते हैं या फिर जो है वो चेयर्स वगैरह बेंचेस वगैरह रखी हुई होती हैं, लेकिन ये जो उन्होंने बनाया हुआ था बिल्कुल डिफरेंट बनाया हुआ था। नीचे उन्होंने जो है वो लाइट्स वगैरह लगाई हुई थी कि इस तरीके से कि जब उस पर आप उसको प्रेस करेंगे या उसके ऊपर जोर आएगा ना तो फिर वो लाइट जो है वो जलती है। आप देखिए बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे, रूहा भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही थी और जंप लगा लगा के लाइट्स के ऊपर जा रही थी कि कोई और ना जलाए, मैं जला लूँ पहले इसको। रुहाब जो है वो थोड़ा इन्जॉय कर रही थी, बाबा उसके साथ बैठे हुए थे। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा जो है वो मॉल को मैं कैप्चर करती हूँ, थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ। मेरा प्लान था कि मैं कंप्लीट मॉल को दिखाऊं लेकिन उस एरिया में जहाँ सीटिंग एरिया था ना वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो रुहाब के ने जो है वो हाफ स्लीव्स पहने हुए थे और उन्होंने शॉर्ट्स पहनी हुई थी तो उसकी टांगें भी ठंडी हो रही थी, उसके बाजू भी ठंडे हो रहे थे। तो फिर हम लोग जो है फिर मैंने थोड़ा सा ही बस कैप्चर किया और उसके बाद मैं वापस आ गई। तो इंशाल्लाह मेरा प्लान है मॉल में जाने का और मैं जाऊँगी और आप लोगों के लिए कैप्चर करके आऊँगी, क्योंकि उसका इनडोर आउटडोर दोनों जो है वो बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ से फ्री होने के बाद जनाब फिर हम चले गए थे तमीमी मार्केट, सुपर मार्केट है, वहाँ से कुछ लेना था, ग्रॉसरी करनी थी। तो ग्रॉसरी तो मैंने बाद में की, उससे पहले जो है वो मैंने जो इसकी इन्होंने आउटडोर डेकोरेशन की हुई थी ना, डिज़ाइनिंग की हुई है, कलर कम्बिनेशन, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना अट्रैक्टिव था बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर फिर हम अंदर मार्केट के अंदर गए तो रोहाब को पांडा और बियर नज़र आ गए, वो उसे पसंद आ गए तो वहाँ उसने जो है एक बिग बियर बाय कर लिया। बर्थडे तो मेरी आ रही है, डैडी आपने ले ली है। शो मी डैडी, शो आपसे बड़ा है ये रोहाब। आर यू हैप्पी? Yes. High five. High five. Yeah. This one here. This is your daddy. Take it. Take it, your daddy. You like it? Are you happy? Yeah. Your baby? Is this baby? Yeah. Is this baby? No. No, it's not baby. Why you hold like this? It's a teddy. Let's go. Tata. Are you happy? Yes. Yes. What is this? Teddy bear. You like teddy bear? Yes. Okay. So thanks to Baba. Thank you, Baba. Welcome, Mirijan. बाबा भी काफी टाइम से मेल्ट हो रहे थे कि मेरी बेटी ने कुछ ट्वाई नहीं लिया ना यार। ये वीकली तो ट्वाई लेती है, डेली लेती है। शोल्डर नीड्स अ टोन, दिस अ टो बच्चे अपनी चीज़ें जो है वो शेयर नहीं करते, वो मेरे साथ भी शेयर नहीं कर रही थी बिल्कुल भी। मैं बार बार उसे कहती कि मुझे दे दो, मेरे साथ शेयर करो,
लेकिन नहीं वो शेयर नहीं करती। जब हम लोग बच्चे बच्चे ही होते हैं, जिस टाइम हम लोग मार्केट से बाहर निकल रहे थे ना, तो सामने से एक इंडियन फैमिली आ रही थी, उनके साथ उनकी बेटी थी, और उसने टेडी बियर देखा ना रुहाब के हाथ में, और फ़ौरन से अपनी मामा को कह दी कि मुझे भी चाहिए, मैंने भी लेना है ये ऐसे। तो उसके पेरेंट्स भी हंस पड़े, मुझे भी इतनी हंसी आई ना बहुत, कि बच्चे जो हैं वो बच्चे ही होते हैं। तो खैर हम लोग जो है वो थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी, ग्रॉसरी की, टेडी बियर लिया वहाँ से, टेडी बियर लेके जो है फिर बस घर वापस आ गए थे। तो ये था जनाब आज का ब्लॉग, होपफुली की वीडियो को हमने लाइक किया होगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मुझे ये तमीमी मार्केट की आउटडोर जो डिजाइनिंग इन्होंने की हुई थी, इतनी मुझे अच्छी लगी, तो मैंने कहा ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और आप लोगों से मिलती रहूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।